मेरे साथ में जयंत चौधरी जी हैं। जयंत जी, मंत्री पद में हिस्सेदारी, सब कुछ अच्छा है, खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, काम शुरू हो गया है। 100 दिन का जो सरकार का एजेंडा है वो पूरा करना है, और देश की जो उम्मीद है, जो सपने नौजवान देख रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए जो सरकार की अहम भूमिका है देश को आगे बढ़ाने में, वो हम करेंगे। अच्छा सर, इस बार बीजेपी सरकार को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है, तो पूरा सामंजस्य किस तरीके से आप लोग? ऐसा नहीं, लोकतंत्र में सबको सबकी ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि बहुमत नहीं सर्वमत की तरफ हमें ले जाना है, यानी सबकी राय, सबकी उम्मीद, सबका साथ। अच्छा, इस बार सर जो मिनिस्ट्री आपको मिली है उसमें न्यू शिक्षा जो पॉलिसी है और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, तो ये 100 दिन का एक्शन प्लान में क्या क्या सर अभी तक डिस्कस हुआ है आप लोगों के बीच में? थोड़ा वक्त आपको देना होगा, और पर्दे के पीछे भी बहुत काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार अपना काम कभी छोड़ती नहीं ना रुकती है, पूरे एनर्जी के साथ। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कोई समय नहीं खराब करते, लगातार उनकी नज़र देश को आगे बढ़ाने को ले जाने में है, और उन्होंने हमें एक मैंडेट दिया है, टास्क दिया है। अच्छा, आप लोगों को संबोधित भी किया, उसमें क्या मेन बातें आप लोगों? वो उनके और हमारे बीच की बातें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।